गाइज, ये है मेरा बैंगलोर। वो कहते हैं ना, हेवन इज़ अंडर आर फीट एंड ओवर आर हेड। गाइज, वी आर बैक इन अ कैमर बेटा एंड दिस प्लेस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। दो ये मेरे घर के बहुत पास है, मे बी ये एक रीज़न हो सकता है मेरा बार बार यहाँ आने का। बट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्चुअली इसके पहले मैंने ऐसा कोई प्लेस, किसी कोई जगह देखा नहीं था। For me, this place is very beautiful. Guys, ये जो अभी आपने बंदा देखे एक्टिवा लेके गया, ये भाई यहाँ से आया यार। बाप रे, डेंजरस। गाइज, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने एक जगह दिखाया था, बोला था ये मार्केट है, तो मेरे पीछे ये मार्केट ही लगा है। एंड ये बच्चा पार्टी इधर पे, ये लोग भी अपना आई गेस फूल का शॉप लगा रहे, दुकान और मे बी नारियल। चलो हम आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जगह बड़ी पहचानी पहचानी से हो गई है यार, बड़ा स्लिपरी है यार। चलो ऊपर चलते फिर बात करेंगे। व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड आई एम अगेन इन अकिया में बेटा। मेरे बाल ऐसे क्यों कर दिया मैंने। सो गाइस, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आई विश अगर मैं यहाँ दौड़ के आ पाऊँ मे बी एम्बुलेंस लगे। सो मैं आज एक्चुअली रनिंग करते हुए आ गया एंड वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का दिन बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। मास्क उतार देता हूँ थोड़ा सा, कोई है नहीं मेरे पास, बोलने में इजी होता है ना। तो गाइस, आज का दिन बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है एंड आज हमारे कुछ रैपचिक प्लान्स है कि जैसे कि आज हम एक जगह जाने वाले शॉपिंग के लिए। आपने वो तो शो देखे होंगे बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं कि आपको आपका बजट सो एंड सो मार्जिन का है एंड आपको उसमें शॉपिंग करना है। तो हमें एक बजट मिला है बिग बाज़ार की तरफ से। सो हमने बहुत पहले एक कार्ड खरीदे थे, अभी फॉरगॉट ऑल्सो। सो हमको कॉल आया कि इस मंथ उसका एक्सपायरी है, आपके अकाउंट में कुछ 4,000 रुपीज़ है, यू कैन कम एंड डू शॉपिंग। सो वी हैव प्लान टू गो देयर। सो हमारा दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाला है एंड यहाँ का वेदर तो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो यहाँ इसी वक्त इसी समय ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। था कि इतना दूर शायद ही मैं रनिंग करके आ पाऊँगा यार। वो दिन थे जब हम फुटबॉल खेलते थे, वी यूज टू रन एंड ऑल, एंड मुझे लगा नहीं था ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स में हाफ एन आवर में रनिंग करके आ गया। दैट इज फैंटास्टिक। सो गाइस, एनीवेज आ तो गए हम, अब जाना भी पड़ेगा एंड घर काफ़ी दूर है एंड ड्रिजल चालू हो गया। तो लेट्स वाइंड अप दिस हियर ओनली एंड अभी चलते हैं। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा कुछ बहुत ही एंटिक प्लान है। घर जाता हूँ मैं, आई टेक ब्रेकफास्ट एंड मे बी आई गो एंड कुक ब्रेकफास्ट एंड फिर चलते हैं अराउंड 10-11 o'clock हम चलेंगे। अभी तो 7:30 हो रहा है, बहुत टाइम है जाने में भी। अभी यहाँ से वॉक करके जाना है तो बड़ा टाइम लगेगा। तो आ जाओ, चलो चलते हैं। गाइस, यहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था, मैंने नोटिस किया वो सारे बैग्स, पेपर, पॉलीथीन, वाटर बॉटल्स उठा रहे थे। ये सारे बच्चे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे एंड कुछ काम करते हैं, अपना ऑफिस छोड़ के आए, छुट्टे के टाइम पे आए। दिस वाज वेरी अमेजिंग कि वो अपना टाइम निकाल के ये एरिया क्लीन करने आए, वेरी अमेजिंग। गाइस, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, सो आई प्रेफर वॉकिंग ऑन दिस पैरापेट बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारा भाई 2 बार गिर गया। दौड़ा दौड़ा बॉल के जैसे, अच्छा वो नीचे नहीं गया। चलो नीचे चलते। इनमें से एक भाई साहब बहुत जोर से गिरा था मुंह के बल एंड उसके बाहर खड़े हुए दोस्त हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आई बट देन बाद में बुरा लगा। एंड ये बच्चे को देख के यार, ट्रस्ट मी यार, बहुत अच्छा लगा, बचपन के दिन याद आ गए।